की सबसे बड़ी खबर, 48 मीटर का काम पूरा हो चुका है, यानी वो वक्त बहुत करीब है जिसके जरिए जो 41 मजदूर हैं जो बीते 11 दिन से फंसे हुए हैं वो निकल सकते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट अब होने को है, लेकिन अभी भी कोई चुनौती, कोई कठिनाई बीच में सामने आ जाए, कोई रोड़ा बीच में सामने आ जाए तो थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, आज सुबह से जितना भी काम हो रहा है उसमें कहीं कोई अड़चन नहीं है, यही राहत की खबर है। और जितने भी लोग पहुंचे हुए हैं, 41 मजदूरों के परिवार वाले या फिर उनके रिश्तेदार, उन सभी से बकायदा हर वक्त बात करवाई जा रही है और बात करके आज वो बेहद खुश है, सुकून की सांसें ले रहे हैं। तो बीते 11 दिन में क्या हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है, इस पूरे ऑपरेशन को समझना चाहता है कि आखिर कौन कौन सी चुनौती सामने आई, आखिर इस ऑपरेशन के पीछे क्या है जिसमें विदेशी एक्सपर्ट्स पहुंचे, जहां विदेशी मशीनों का इस्तेमाल हुआ। एक रिपोर्ट जब दिखाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे कि बीते 11 दिन में हुआ क्या क्या है। टनल में फंसे मजदूर जल्द आएंगे बाहर। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन। वर्टिकल ड्रिलिंग से बचाई जाएगी 41 जिंदगियां। उत्तरकाशी में टनल हादसे वाली जगह से एक और अच्छी खबर सामने आई है। 12 से ज्यादा दिनों से टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों के सुरक्षित बाहर आने की उम्मीद जागी है, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने अपने प्लान बी को अमली जामा पहनाने की तैयारी पूरी कर ली है। रेस्क्यू टीम का प्लान बी सिलक्यारा टनल के पास वर्टिकल ड्रिलिंग करना है, जिसके लिए उस जगह का चुनाव भी कर लिया गया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए बीआरओ की टीम ने 48 घंटे के अंदर टनल से लेकर पहाड़ की उस चोटी तक एक रास्ता भी तैयार कर लिया है जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, जो यहां सिलक्यारा एंड में वो ऑलरेडी वर्टिकल जो हमारा जाना था वो ऑलरेडी बोरिंग मशीन हमने पहुंचा दी है साइट पे और मशीन वहां ड्रिलिंग शुरू भी हो गई है। सिलक्यारा में वर्टिकल ड्रिलिंग वाली जगह पर मशीन भी पहुंच गई है, जबकि कुछ और मशीनों को भी मंगवाया गया है। बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ONGC ने भी बड़कोट की ओर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरा फ्रंट जो सबसे इम्पोर्टेंट और इस फ्रंट के बाद सबसे एक्सेसिबल फ्रंट है वो वर्टिकल ड्रिलिंग का है, और उसके लिए आप देखें कि मशीनें जो है वो पहुंच गई है। ये जो मशीन आपको नजर आ रही है, ये आप देखें कि नीचे से अगर आप इसके व्हील्स पर नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये किसी भी तरीके के टेरेन में, खासतौर पर पहाड़ों पर आसानी से चढ़ जाएगी, और इसी के ऊपर जो है वो आपको मशीन समझ आ रही है। ये मशीन जो है ये ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसके आगे का हिस्सा अगर आप देखें तो आपको समझ आएगा कि जो बड़े ड्रिलर्स होते हैं, जो सिलेंड्रिकल शेप के ड्रिलर्स होते हैं जिनको जमीन में डाला जाता है, वो इस तरीके से आगे इनके साथ अटैच होते हैं और फिर ये नीचे की तरफ डिगिंग करते हैं, और ये मशीन भी यहां पर पहुंच गई है। अगले 18 घंटे मजदूरों के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। सुरंग के अंदर सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 40 मीटर से ज्यादा तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। इसमें 800 mm व्यास के पाइप डाले गए हैं और 60 मीटर तक ड्रिल कर पाइप डाले जाने हैं। जब ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इन पाइप के जरिए एस्केप टनल बन जाएगी, तो इसके अंदर से सबसे पहले इसमें जो NDRF है उसके प्रशिक्षित जवान इसमें इस टनल के रास्ते, टनल के दूसरी ओर फंसे श्रमिकों तक पहुंचेंगे, और फिर एक एक करके इस एस्केप टनल के जरिए NDRF के जवान उन 41 श्रमिकों को बाहर लाएंगे। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सरकार और एजेंसियां दिन रात एक किए हुए हैं। तीनों मोर्चों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सिलक्यारा और बड़कोट यानी सुरंग के दोनों ओर से ड्रिलिंग हो रही है। इसके अलावा वर्टिकल खुदाई भी शुरू हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन करीब 40 मीटर तक 800 mm का पाइप ड्रिल कर चुकी है। आज शाम या कल तक पूरा ड्रिल होने के बाद ये उम्मीद जग रही है कि सभी मजदूर सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आने के बाद सिलक्यारा में 40 एम्बुलेंस मंगवाई गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की स्थिति में जिला अस्पताल और ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। किसी मजदूर की तबीयत ज्यादा खराब हुई तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स तक पहुंचाया जाएगा।
मजदूरों को निकालने के लिए एनडीआरएफ का रेस्क्यू प्लान भी पूरी तरीके से तैयार है। सिलक्यारा की तरफ से 800 mm का पाइप मजदूरों तक पहुंचने पर एनडीआरएफ टीम टनल में घुसेगी। अभी मजदूर कमजोर हैं और वो रेंग कर बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उनके स्केट्स लगी ट्रॉली के जरिए उन्हें बाहर निकालने की कोशिश होगी। आज सुबह से ही आप दर्शकों के सामने मैंने दावे के साथ ये कहना शुरू किया कि आज किसी भी हाल में थोड़ा वक्त लगे मजदूर बाहर निकल जाए। इसके पीछे आधार था कि मैंने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में सुबह सुबह ये देखा कि एम्बुलेंस की संख्या सुबह से ही धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी बीती रात जो काम हुआ उसका असर ये था कि न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि आसपास के जिलों से 41 की संख्या में एम्बुलेंस को आसपास के इलाकों में रखा गया है, तो ये एक बड़ी बात नजर आई थी। एम्बुलेंस की संख्या अभी यहाँ, अगर मैं इस जगह की बात करूँ, टनल के पास की बात करूँ, तो तकरीबन 10 एम्बुलेंस तो यहीं पे है बैकअप प्लान में, और जगह जगह पे यानी ऊपरी हिस्सा जो है वहाँ पे अभी एक तस्वीर दिख भी रही है। मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन से वो जरा दिखा भी दे, एक वो टॉप एंगल पे आपको एम्बुलेंस ही नजर आ रही होगी। इसी तरीके से जगह जगह पे एम्बुलेंस को बैकअप प्लान के तौर पे रखा गया है कि जैसे मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा वैसे वैसे इन सभी को बाहर निकाल कर सीधे मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। अगर किसी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई तो एयरलिफ्ट करके, जैसा कि हमारी सहयोगी बता भी रही थी, ऋषिकेश एम्स या फिर इसके अलावा अदर हॉस्पिटल में भी पहुंचाया जा सकता है, ये बैकअप प्लान है। लेकिन मेडिकल टीमों को अलर्ट पे रखा गया है आज सुबह से कि किसी भी वक्त ये ऑपरेशन सक्सेस हो सकता है। और सबसे पहले और सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेना। हालांकि बातचीत में अभी तक सभी स्वस्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या इनके मानसिक संतुलन पे भी कोई असर पड़ा है? क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है, एक टनल के अंदर फंसना और वो भी तकरीबन 11 दिन से, और 11 दिन में सिर्फ ड्राई फ्रूट के सहारे रहना। कल पहली बार हमने देखा कि उनके पास खिचड़ी पहुंचा।